भारत बांग्लादेश के बीच दो मैच की सीरीज का दूसरा टेस्ट कानपुर में खेला जा रहा है। इस टेस्ट के दो दिन बीत चुके हैं और इन दो दिनों में कुल 35 ओवर का ही खेल हो पाया है, लेकिन इसके बीच कानपुर से आई एक खबर ने खूब चर्चा बटोरी थी। दावा किया गया था कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम के एक सुपर फैन को कानपुर में लोगों ने पीट दिया। बाद में कहा गया कि वो बीमार था और किसी ने उनकी पिटाई नहीं की। अब इस पर एक और अपडेट है। दावा है कि रोबी टाइगर नाम के इस फैन को कानपुर से दिल्ली भेज दिया गया है और वहां से उनको ढाका डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दैनिक जागरण के अभिषेक त्रिपाठी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह अपडेट दी। उन्होंने लिखा, मेडिकल वीजा पर भारत आकर मार खाने की नौटंकी करने वाले बांग्लादेशी फैन रोबी टाइगर को कानपुर से डिपोर्ट कर दिया गया है। वो कानपुर से दिल्ली और कल दिल्ली से ढाका जाएगा। वो अब एक भी मैच नहीं कवर कर पाएगा। उसे भारत आने से 5 साल के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। इसने मेडिकल वीजा लिया लेकिन कोई जांच नहीं कराई। इससे पहले लंच ब्रेक के दौरान रोबी स्टेडियम के गेट के पास लड़खड़ाते दिखा था। उसे मीडिया गेट के पास देखा गया। क्रिकइंफो के मुताबिक इसके बाद सिक्योरिटी और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों ने मिलकर रोबी को कुर्सी पर बिठाया, पानी पिलाया और फिर एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भेजा। रोबी ने इस वक्त तक आरोप लगाया था कि उन्हें मारा गया है। इस घटना से पहले रोबी ग्रीन पार्क के स्टैंड सी में दिखे थे। ये वही स्टैंड है जिसे मैच से पहले असुरक्षित बताया गया था। रोबी इस स्टैंड में मौजूद इकलौते फैन थे। कुछ फैंस ने क्रिकइंफो को बताया कि रोबी की कुछ भारतीय फैंस के साथ कहा सुनी हो गई थी, जिसके बाद थोड़ी धक्का मुक्की हुई और लोगों ने रोबी से बांग्लादेश का झंडा छीनकर फेंक दिया था। अस्पताल में भर्ती होने के कुछ वक्त बाद जब रोबी की हालत सुधरी तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरी तबीयत खराब थी, पुलिस मुझे अस्पताल लेकर आई और अब इलाज के बाद मुझे बेहतर लग रहा है। इस बातचीत में रोबी ने एक बार भी मारपीट या धक्का मुक्की का जिक्र नहीं किया। शुक्रवार 27 सितंबर की शाम तक ही रिपोर्ट्स आने लगी थी कि रोबी ने मारपीट की झूठी कहानी बताई थी। बता दें कि कानपुर में कुछ संगठनों ने इस टेस्ट के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। स्टेडियम के करीब हुए इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों का कहना था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे में हमें बांग्लादेश के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।